स्वागत है आपका IPL 2020 के ऑक्शन से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों 19 दिसंबर को होने वाला है IPL 2020 का ऑक्शन, जो कि कोलकाता में होगा, जहां पर कई सारे दिग्गज खिलाड़ी हमें ऑक्शन में दिखाई देंगे। उनके ऊपर करोड़ों की बोली लगते हुए जो है हमें दिखाई देने वाली है। यहां पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 खिलाड़ियों की जिन्होंने लास्ट ईयर के ऑक्शन से अपना नाम जो है वो हटा लिया था, लेकिन इस ईयर के ऑक्शन में IPL 2020 के ऑक्शन में वापसी करते हुए हमें नजर आएंगे, ऑक्शन में नजर आएंगे, और करोड़ों की बोली जो है इन खिलाड़ियों के ऊपर लगने वाली है। और वन ऑफ द बेस्ट बोली जो कहते हैं हम, एक्सपेंसिव बोली जो है, वो भी इन्हीं में से किसी एक खिलाड़ी के ऊपर जो है लगती हुई हमें दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों कौन से हैं वो 5 खिलाड़ी जो कि करने वाले हैं वापसी, बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी IPL के फैन कर रहे हैं, IPL 2020 का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आप कौन सी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं IPL 2020 में, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों IPL 2019 में कई सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना नाम जो है ऑक्शन में नहीं दिया था, जिसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था वो था वर्ल्ड कप 2019। वर्ल्ड कप 2019 के प्रिपरेशन के कारण कई सारे खिलाड़ियों ने अपना नाम जो है IPL 2019 के ऑक्शन में नहीं दिया था। वहीं कई खिलाड़ियों को उनके क्रिकेट बोर्ड ने जो है IPL खेलने की इजाजत जो है वो नहीं दी थी। चलिए बात कर लेते हैं उन 5 खिलाड़ियों की जो कि लास्ट ईयर नहीं खेले थे, बड़े खिलाड़ी, लेकिन इस साल वापसी करेंगे। तो नंबर 5 पर है दोस्तों बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया ये फास्ट बॉलर हैं, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए काफी सारे सीजन खेले हैं। लास्ट टाइम IPL 2018 मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे, लेकिन IPL 2019 के लिए इनके क्रिकेट बोर्ड यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें इजाजत जो है वो नहीं दी खेलने की, और इसी वजह से इन्होंने अपना नाम जो है वो ऑक्शन में नहीं दिया था। क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा इंजर्ड जो है वो रहते हैं मुस्तफिजुर रहमान, इनको इंजरी के काफी इश्यू रहते हैं, इसीलिए कोई भी रिस्क बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नहीं लिया था और इनको खेलने की इजाजत जो है वो नहीं दी थी। लेकिन IPL 2020 में ये हमें खेलते हुए नजर आएंगे, ऑक्शन में वापसी करते हुए नजर आएंगे। बात करें दोस्तों नंबर 4 की, तो लिस्ट में नंबर 4 पर है ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस। पैट कमिंस दोस्तों पिछले 2 सालों से IPL में नहीं खेल रहे हैं। IPL 2018 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे, लेकिन इंजरी के कारण नहीं खेल पाए थे, और इसके बाद IPL 2019 में जब मुंबई इंडियंस ने इन्हें रिलीज कर दिया था, तो इन्होंने ऑक्शन में अपना नाम ही नहीं दिया था वर्ल्ड कप 2019 के कारण। वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था, ऐसे में IPL 2020 के ऑक्शन में जब ये आएंगे तो इनके ऊपर तगड़ी बोली लगते हुए हमें नजर आने वाली है। बात करें दोस्तों नंबर 3 की, तो लिस्ट में नंबर 3 पर है एरन फिंच, जो कि IPL 2018 में किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही तगड़े ओपनर हैं, मिडल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, और इस समय ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट बॉल क्रिकेट के कैप्टन भी हैं। ऐसे में एक बहुत ही बढ़िया पिक IPL 2020 के ऑक्शन में होने वाले हैं एरन फिंच, जो कि वापसी करते हुए नजर आएंगे। लास्ट ईयर इन्होंने भी वर्ल्ड कप के कारण जो है अपना नाम ऑक्शन में नहीं दिया था। बात करें दोस्तों टॉप 2 प्लेयर्स की, तो दूसरे नंबर पर हैं लिस्ट में ग्लेन मैक्सवेल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही तगड़े ऑलराउंडर हैं। लास्ट टाइम दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, जब दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली डेयरडेविल्स थी, तब खेलते हुए नजर आए थे IPL 2018 में, जहां पर बहुत ही बड़ी रकम देकर दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें खरीदा था। इसके बाद इन्हें रिलीज कर दिया गया था IPL 2019 से पहले, लेकिन ऑक्शन में इन्होंने अपना नाम जो है वो नहीं दिया था। IPL 2020 के ऑक्शन में ये वापसी करते हुए नजर आएंगे, और इनके ऊपर एक और बार तगड़ी बोली जो है वो लगने वाली है। अब एंड में बात करते हैं लिस्ट में नंबर 1 प्लेयर की, तो लिस्ट में दोस्तों नंबर 1 पर है मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही तगड़े फास्ट बॉलर हैं। पिछले 4 सीजन से ये IPL में हमें खेलते हुए नजर नहीं आए हैं। लास्ट टाइम IPL 2015 में इन्होंने खेला था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। इसके बाद 2 साल RCB की टीम ने इन्हें रिटेन किया था 2016 और 2017 में, लेकिन उसके बाद RCB ने इन्हें रिलीज किया और कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें IPL 2018 में खरीदा। IPL 2018 भी ये नहीं खेले, इसके बाद IPL 2019 के ऑक्शन में इन्होंने अपना नाम ही जो है वो नहीं दिया था, और 4 साल बाद अब IPL 2020 में ये वापसी करते हुए नजर आएंगे। IPL 2020 के ऑक्शन में जो है ये नजर आने वाले हैं, और सबसे तगड़ी बोली इनके ऊपर लग सकती है। कई सारी टीमों की निगाहें जो हैं वो होने वाली है मिचेल स्टार्क के ऊपर, चाहे वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो या फिर हो कोलकाता नाइट राइडर्स, और इसीलिए लिस्ट में नंबर 1 पर जो है वो है मिचेल स्टार्क, जो कि हमें वापसी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये है वो 5 खिलाड़ी जो कि पिछले सीजन हमें खेलते हुए नजर नहीं आए थे। इनमें से कुछ खिलाड़ी 2 सीजन से नहीं
नहीं खेल रहे कुछ खिलाड़ी चार सीजन से, लेकिन इस साल आईपीएल 2020 में वापसी करते हुए नजर आएंगे, ऑक्शन में हमें नजर आने वाले हैं। अब दोस्तों आपको क्या लग रहा है, इनमें से कौन से खिलाड़ी के ऊपर सबसे तगड़ी बोली लगने वाली है, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।